हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 13, कबीर की वाणी। आज हम अच्छी बुरी आदतों पर बात करेंगे। कबीर की वाणी। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। इसका मतलब है, कबीर दास जी कहते हैं, इस दुनिया में सच्चाई के मार्ग पर चलने से बड़ी कोई तपस्या नहीं है और ना ही झूठ बोलने से बड़ा कोई पाप है, क्योंकि जिसके मन में सत्य का वास है उसके मन में ही साक्षात भगवान बसते हैं। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलया कोई। जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा न को। कबीर दास जी कहते हैं कि जब मैं संसार में या दुनिया में बुराई ढूंढता हूँ तो मुझे कोई बुरा इंसान नहीं मिलता है, बट जब मैं अपने अंदर झांककर देखता हूँ तो मुझसे बड़ा बुरा इंसान कोई नहीं है। इसका मतलब यही है कि हमें दुनिया वालों की गलतियाँ नहीं देखनी चाहिए, बल्कि अपने अंदर की बुराइयों को मिटाना चाहिए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल हो। इसका मतलब यही है कि हमें हमेशा पेशेंस रखना चाहिए। पेशेंस रखने से ही सब कुछ होता है। अगर कोई माली किसी पेड़ को बहुत ही पानी दे दे तो क्या उसको तुरंत फल या फूल लगेंगे? नहीं, जब सही समय आएगा या फूलों की और फलों की ऋतु आएगी तभी उसमें फल लगेंगे। तो यह इसका सीधा अर्थ है कि हमें हमेशा पेशेंस रखना चाहिए, तो फिर हमें हमारे काम का फल मिल ही जाएगा, सब सही समय आएगा। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंदियो बताए। इस दोहे का अर्थ है कि जब हमारे सामने गुरु और ईश्वर दोनों आ जाते हैं तो हमेशा हमें पहले गुरु के पैर छूने चाहिए। गुरु मतलब हमारे टीचर, और हमें उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए क्योंकि वो हमेशा हमें सारा ज्ञान देते हैं। ऐसी वाणी बोलिए, मन का पाखो और अन को शीतल करे, आप हूँ शीतल हो। कबीर दास जी हमें यह समझाते हैं कि हमें हमेशा ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सामने वाले को सुनने में अच्छी लगे और उन्हें सुख का अनुभव हो और साथ ही खुद को भी आनंद हो। इसका सरल अर्थ यही है कि हमें हमेशा मीठा बोलना चाहिए जो हमें और सुनने वाले दोनों को अच्छा लगे। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परलय होयगी, बहुरी करेगा कब। उनके अनुसार हमें हमेशा समय रहते ही सारे काम समाप्त कर लेने चाहिए। कभी भी किसी भी काम को टालना नहीं है, क्या पता अगले ही पल प्रलय हो जाएगा। इसका मतलब यही है कि हमें हमारे सारे काम टाइम पर कर लेने चाहिए। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। कबीर दास जी ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं
कि हमें इतना धन दीजिए जिससे मेरे परिवार का गुजारा हो जाए, और अगर घर में कोई मेहमान अचानक से आ जाता है तो वो भी भूखे पेट ना लौटे। तिनका कब हूँ न नींदिए जो पाँव तले हो, कब हूड़ आखन पड़े पीर घनेरी हो। फिर कहते हैं कि हमें एक छोटे से तिनके की भी निंदा नहीं करनी चाहिए जो हमारे पाँव के नीचे दब जाता है। यदि कभी वह तिनका उड़कर आँख में आ गिरे तो कितनी गहरी पीड़ा होती है। इसका मतलब है हमें कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, हम सब एक बराबर हैं।